हेलो फ्रेंड्स टुडे विल टॉक अबाउट फ्रांसिस ब्योमोंट एंड जॉन फ्लेचर ऑफ जैकोबियन एज तो लेट अस स्टार्ट फ्रांसिस ब्योमोंट ओके बोथ ऑफ देम रोड प्लेस टुगेदर दोनों एक साथ प्लेस लिखते थे और जॉन एप्रे वाई ये ही इज़ ए प हु इज़ एसोसिएटेड टू जोकोबियन स्टेज जो जोकोबियन स्टेज थे उस टाइम के उनसे ये एसोसिएटेड थे एंड अकॉर्डिंग टू हिम बोथ ऑफ दिस मैन लिव टुगेदर ऑन बैंक साइड एंड द शेयर क्लोथिंग एंड हाउस एंड एवरीथिंग ठीक है उनके अनुसार ये दोनों साथ में रहते थे बैंक साइड में और दोनों सारी चीज़ें अपनी शेयर करते थे ओके दे बोथ टुगेदर रिटर्न अबाउट फिफ्टी टू प्लेस उन्होंने कितने लिखे हैं दे बोथ टुगेदर रिटर्न अबाउट फिफ्टी टू प्लेस विच वॉज कलेक्टेड टुगेदर इन ए फोलियो नोन एज फिफ्टी कॉमेडीज एंड फिफ्टी ट्रेजडीज ये कलेक्शन है इनका फिफ्टी कॉमेडीज एंड फिफ्टी ट्रेजडीज और वर्क जो इंडिविजुअल वर्क है पहले हम बात कर लेते हैं दोनों के इंडिविजुअल वर्क्स के बारे में ओके तो फर्स्ट वर्क हम बात करते हैं फ्रांसिस ब्योमोंट ने जो लिखा है नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल एंड जॉन फ्लेचर ने लिखा है फेथफुल शेफरडे फेथफुल शेफरडे ओके तो हम इसका डिटेल कर लेते हैं फ्रांसिस ब्योमोन्ट लेट स्टार्ट फ्रांसिस ब्योमोन्ट का नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल स्टार्ट करते हैं ओके एंड नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल क्या है वेपन और मशीन है ये uh, इसका प्लॉट बात करते हैं हम नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल इट इज ए वेपन और मशीन पेस्टल क्या होती है मशीन, वेपन ही होता है ना एक तो उसी के ऊपर ही ये आधारित है एंड द प्लॉट इज दिस प्ले टॉक्स अबाउट ए ग्रॉसर एक ग्रॉसर के बारे में एंड हिज फैमिली एज वेल एज ग्रॉसर कौन होता है स्टोर ओके okay? और हिज सर्वेंट गो टू सी ए प्ले दोनों ग्रॉसर और उसका सर्वेंट एक प्ले देखने गए थे टर्म एज लंडन मर्चेंट वो कौन सा प्ले था लंडन मर्चेंट के नाम से द प्ले इज द नेम ऑफ द प्ले इज लंडन मर्चेंट जब ग्रॉसर और उसकी वाइफ प्ले देख रहे थे वे बात कर रहे थे कि दिस प्ले इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग करेक्टली द मिडिल क्लास पीपुल कंप्लेनिंग वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि नहीं यार ये तो मिडिल क्लास पीपुल को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा दिस वर्क इज़ ए सटायर ऑन द वर्क ऑफ थॉमस डेक्कर ये जो वर्क है वो सटायर है एक व्यंग है किसके ऊपर थॉमस डेक्कर के ऊपर व्यंग किया गया है एंड प्ले को देखते हुए ग्रॉसर जो नेम क्या है ग्रॉसर का सिटीजन को गुस्सा आ गया और वो प्ले के बीच में भी स्टेज पर अपनी पत्नी के साथ जाकर बैठ गया और वो स्टेज परफॉर्मर से कहता है कि तुम्हें नया कैरेक्टर जो कि नाइट है हो जो कि ग्रोसरी बिजनेस को डिपिक्ट कर सके परफेक्टली उसे लेना चाहिए एंड जो नाइट होगा कौन होगा द अप्रेंटाइल रेफ ऑफ रल्फ द नेम ऑफ द नाइट इज द अप्रेंटाइल रेफ ऑफ रल्फ्ट इज ए कैरेक्टर हु इज वेरी गुड इज़ ए कैरेक्टर द नाइट कौन होगा रेफ और और रेफ ओके इज ए कैरेक्टर हु इज़ वेरी गुड इन मेकिंग प्रिटी स्पीचेस एंड ही विल डू जस्टिस द रोल ऑफ ए नाइट जो नाइट का रोल है उसके साथ जस्टिस कर पाए ऐसा तुम्हें कैरेक्टर लेना चाहिए ओके दो नाम क्या है कैरेक्टर का द एप्रेनटाइल रेफ और राल्फ बार बार ग्रॉसर एंड इज वाइफ प्ले के बीच में इंटरफेयर कर रहे थे और एंड दे कीप ऑन ब्रेकिंग द प्ले उनके कहने पर राल्फ नाम के जो कैरेक्टर को उन्होंने ऐड कर लिया था उन्होंने ठीक है बोला कि ठीक है भाई तुम शांत हो जाओ हम इस नाम के कैरेक्टर को ऐड कर लेते हैं लेकिन दिस एक्ट इज़ लाइक ए प्ले विथ इन ए प्ले ये एक ऐसा प्ले था कि जो प्ले देख रहे हैं और ऊपर से प्ले चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम दिस एक्ट इज लाइक ए प्ले विथ इन ए प्ले ओके तो ये जो नाइट ऑफ बर्निंग पिस्टल है ये क्या है प्ले विथ इन ए प्ले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम Who has the person who play the role of the knight and who have a पेस्टल rather than a sword? The question is ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो नाइट का रोल कर रहा है और जिसके पास पेस्टल है और तलवार नहीं है नाइट के पास तलवारें होती थी ना तो इसके पास तलवार नहीं है तो द आंसर इज राल्फ आर ए एल पी एच राल्फ ओके द आंसर इज राल्फ द एप्रंटाइल राल्फ ओके तो ये इसका इंडिविजुअल वर्क है ओके जॉन फ्रांसिस बियोमोट का अब हम बात करते हैं जॉन अब हम बात करते हैं जॉन फ्लेचर का जॉन फ्लेचर ने लिखा था फेथफुल शेफर्ड जॉन फ्लेचर ने क्या लिखा था फेथफुल शेफर्ड इट इज ए पेस्टोरल ट्रैजिक कॉमेडी ये एक पेस्टोरल ट्रैजिक कॉमेडी है देर इज ए पोर्ट्रेल ऑफ ए हीरोइन नेम क्लोरिन इसमें एक हीरोइन है जो जिसका नाम है क्लोरिन हु इज वर्जिन शेफर्ड ओके एंड हु वैल्यूज चेस्टिटी एंड डिवोशन अबाव एवरीथिंग एंड जो क्लोरिन है लवर है डाइड एंड शी इज़ लिविंग नियर द ग्रेव ऑफ हर लवर उसका जो लवर है क्लोरिन का वो मर चुका है एंड शी इज़ लिविंग नियर द ग्रेव ऑफ़ हर लवर एंड शी हैड डिसाइडेड दैट शी हैड लिव हर लाइफ अलोन उसने डिसाइड कर रखा है कि मैं पूरी जिंदगी अकेले रहूँगी अपने लवर के याद में ओके और लस्टफुल जो सफ़र है क्लो लस्ट शेफर का नाम है क्लो इज़ ए क्वीन ऑफ लवर वो लवर है वो कहती है कौन है लस्ट फुल शेफर क्लो क्या है क्वीन ऑफ लवर वो कहती है मैं हमेशा तैयार हूँ प्यार के लिए चाहे तुम मेरा कुछ भी कर लो ओके okay? चाहे तुम मेरा कुछ भी करो रेप कर लो एंड द नेक्स्ट इज़ टुगेदर उन्होंने कौन से कौन से प्लेस लिखे हैं हम बात करते हैं कि दोनों ने साथ में कौन से प्ले लिखे हैं द फर्स्ट प्ले इज फिलास्टर द फर्स्ट प्ले इज फिलास्टर जो दोनों ने जॉइंटली लिखा है फर्स्ट प्ले फिलास्टर और उसको बोलते हैं हम लव लाइज ए ग्रीडिंग लव लाइज ए ग्रीडिंग भी बोलते हैं ओके okay? एंड इसमें क्या है कैरेक्टर्स है फर्स्ट है डिसीज किंग नाउ डाइड सन इज किंग फिलास्टर एक बीमार किंग था वो मर चुका है और उसका बेटा अभी किंग है जिसका नाम है फिलास्टर बट देर इज ए किंग ऑफ कैलेब्रिया एक किंग है किंग ऑफ कैलेब्रिया ओके हु द क्राउन ऑफ सिसली फ्रॉम फिलास्टर जो मुकुट ले चुका है राज्य ले चुका है फिलास्टर का ओके okay? और कैलेब्रिया जो है उसकी डॉटर जो एरिस्थसा है वो इसमें कैरेक्टर है तो आगे हम बात करते हैं प्लॉट की किंग कैलेबीरिया वॉन्ट टू मैरी हिज डॉटर एरिस्तुसिया टू फैरामाउंट वो क्या चाहता था कि मेरी बेटी एरिस्तुसा का शादी करना चाहता था फेरामोंट से किससे फेरामोंट से द कैरेक्टर इज फेरामोंट ओके वो उसके साथ उसकी शादी करना चाहता था ये कौन है स्पेनिश प्राइम है सो दैट ही कैन बिकेम द राइटफुल हीयर ऑफ हिज थ्रोन ऑफ सिसिली। फिलास्टर को जब पता चलता है कि पैरामाउंट की शादी एरेस्टूसा के साथ होगी तो वो कहता है कि यह तभी होगा जब मैं मरूँगा क्योंकि वो दोनों आपस में फिलास्टर और एरेस्थुसिया एक दूसरे से प्यार करते थे तो वो बोलता है कि नहीं मैं कभी भी पैरामाउंट से उसकी शादी नहीं होने दूंगा ये तभी हो सकता है जब मैं मरूंगा बट एरेस्थिया लव फिलास्टर वो भी उससे प्यार करती थी एंड शी डिक्लेयर हर लव टू फिलास्टर ये दोनों स्कीम प्लान करते हैं कि फिलास्टर सर्वेंट बेलेरियो के साथ सर्वेंट क्या है बेलेरियो इतने में एरेस्थूसिया को पैरामाउंट के अफेयर के बारे में पता चलता है किसके साथ मार मागरा के साथ ओके तो उसका अफेयर होता है मागरा के साथ तो उसको पता चल जाता है एरिस्थुसा को एंड पेरामोड का अफेयर के बारे में एरुस्थुसिया ने सबको बता दिया तो पेरामोड ने गुस्से में सबसे कहा कि एरस्थुसिया का अफेयर बिलेरियो से है ओके तो वो बोल देता है कि सर्वेंट के साथ ही इसका अफेयर है फिलास्टर को सच लगता है कि एरस्थूसिया और बिलेरियो की बात को बात को झूठ पर विश्वास करता है फिलास्टर उसको लगता है कि हाँ हो सकता है उसको यकीन हो जाता है कि भाई हाँ इन दोनों का अफेयर हो सकता है तो फिलास्टर को लगता है कि अब तो उसे मर जाना चाहिए क्योंकि एरेस्थसिया को तो बिलेरियो से प्यार है तो एरेस्टूसिया को भी लगता है कि कैसा लवर है यार जो मेरी बात को झूठ समझ रहा है और झूठ को सच मान रहा है मर जाने का फैसला करती है। वो भी मर जाने का फैसला करता है और वो भी मर जाने का फैसला करती है फिलास्टर ने फिलास्टर से एरस्तूसा कहती है कि तुम मुझे मार दो इतने में एक वहाँ से जा रहा आदमी यह देखता है और फिलास्टर को वो आदमी फाइट करने के लिए कहता है और उसे घायल हो जाता है एरस्तूसा कोर्ट चली जाती है और फिलास्टर छुप जाता है बेलेरियो को जब पता चलता है कि फ़िलास्टर ने एरुस्तुसिया को घायल कर दिया है तो वह कहता है कि एरुस्तुसिया को मैंने घायल किया है बदला लेने के लिए इस बात को सुनकर फिलास्टर को यह यकीन हो जाता है कि एरुस्तुसिया और बिलारियों का कोई अफेयर नहीं है फिलास्टर को गिल्टी महसूस होता है और वो सरेंडर कर देता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है एरस्थसिया फ़िलास्टर से जाकर शादी कर लेती है और उन दोनों को किंग मौत की सजा सुना देते हैं दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बलैरियों ने भेष बदल रखा है किसका डिजगाइ बदला हुआ है आदमी का लेकिन वो एक औरत है उसका असली नाम है इफ़रासिया। उसका असली नाम क्या है इफ़रासिया। ओके okay, बिलरियो जो है वो आदमी नहीं है वो औरत है जिसने अपना भेष बदल रखा है ओके शी इज़ ए वूमेन ऑफ द कोर्ट जो फिलास्टर से प्यार करती है और शादी करना चाहती है पैरामाउंट वापस स्पेन चला जाता है और किंग के पास कोई वारिस नहीं बचता और वह फिलास्टर की मौत की सजा को माफ़ कर उसे अपना वारिस बना लेता है फिलास्टर की शादी एरस्तुचिया से हो जाती है उनको मौत की सजा उनकी कैंसिल कर दी जाती है बिलेरियो जो इफरूसिया है को चीफ पोजीशन दी जाती है कोर्ट में और उन्हें बोला जाता है लेडी इन वेटिंग की पोजीशन दी जाती है जो रिवॉर्ड है उसकी लॉयल्टी का ओके द पोजीशन इज लेडी इन वेटिंग ओके तो ये उसको एक पोजीशन दी जाती है लेडी इन वेटिंग का दिस इज द स्टोरी ऑफ फिलास्टर ओके तो लेट एस स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी मेड्स ट्रेजडी मेड्स ट्रेजडी ओके तो मेड्स ट्रेजडी में द मेन कैरेक्टर इस एमिनटोर एमिनटोर जो है वो प्यार करता है एसपैटिया से ओके okay, एमिनटोर प्यार करता है किससे एसपैटिया से और जो मेन कैरेक्टर है एमिनटोर और वो इसकी शादी होती है किसके साथ एवोलोन के साथ इसकी शादी होती है एवोलोन के साथ जो प्यार करती है किंग के साथ ये बहुत ही झोलमाल है एंड नेक्स्ट इज मिलेंटियस और उसकी एवेलोन किसकी सिस्टर है मिलेंटियस की बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द किंग ही वाज मैरिड टू एवेलोन एमेंटोर किसकी एमेंटोर की शादी किसके साथ होती है एवेलोन के साथ वो इज सिस्टर ऑफ हिज फ्रेंड एमिनोट ये सिस्टर किसकी है एमिनोट की ओके और इमेनो फ्रेंड है मिलेंटियस वो इज सिस्टर ऑफ इज फ्रेंड मिलेंटियस ये मिलेंटियस की बहन है ओके एविलोन किंग की मिस्ट्रेस थी ये किसी को नहीं पता था कि ये किंग की मिस्ट्रेस है थी किसी को भी इस बात का पता ना चले इसलिए किंग ने एविलोन की शादी किससे करवा दी एमेंटोर से करवा दी ताकि पब्लिक को पता ना चले और एस्पेटिया जो बुरा लगता है एस्पेटिया को बुरा लगता है कि एमेंटोर ने एविलोन से शादी कर दी अब ये दोनों तो प्यार करते थे आपस में इन दोनों को बुरा लगता है कि यार शादी उससे कर ली एमेंटोर से शादी करवा दी मिलेंटोस को जब पता चलता है कि एविलोन उसके दोस्त एमेंटोर से शादी कर ली तो वह एविलोन से पूछता है तो एविलोन कहती है कि वो किंग से प्यार करती है उनका उसका और किंग का अफेयर था उसको छुपाने के लिए शादी की है तो मिलेंटियस एविलोन से कहता है किंग सिर्फ फिजिकल डिज़ायर मिटाने के लिए तुम्हारा यूज़ कर रहा है एविलोन को भी ऐसा लगने लगता है और वो किंग के साथ रहने हुए किंग का मर्डर कर देती है किंग के साथ रहते हुए किंग का मर्डर कर देती है एविलोन एमिंटर से कहती है कि वो उसके बेड पर उसके साथ रहना चाहती है बट एमेंटोर रिजेक्ट कर देता है एविलोन खुद को वो मार लेती है किंग किल्स हर सेल्फ वो अपने आप को ही मार लेती है एस्पेटिया जो भेष बदलती है मिलेंटियस का एस्पेटिया भेष बदला हुआ है किसका मिलेंटियस का और एमेंटोर को डेल करने को कहती है जिसमें एस्पेटिया घायल हो जाती है और अपनी सही पहचान कि मैं एस्पेटिया हूँ बताकर मर जाती है ओके तो एमेंटर को लगता है कि उसने खुद के प्यार को मार दिया और वो भी खुद को मार लेता है मिलेंटियस यह सब देखने के बाद खुद को मारने वाला होता है तो उसे सब समझाते हैं कि तुम्हें सब लोगों का ध्यान रखने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए तो मोस्टली कैरेक्टर्स इसमें अपने आप को मार लेते हैं या मर जाते हैं तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मेड्स ट्रेजडी ओके दिस इज द स्टोरी ऑफ मेड्स ट्रेजडी रिटर्न बाय फ्रांसिस ब्योमोंट एंड जॉन फ्लेचर ओके तो आज ये हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है फ्रांसिस uh, ब्योमोन्ट और जॉन फ्लेचर की तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही अपने अच्छे से अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे